हेलो दोस्तों, नमस्कार। ये देखिए रियलमी का ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है। इसको मैंने मैनुअल बना दिया है। इसका किट जो है कि पूरा जो है कि जल गया था। देखिए ये इसका किट है, पूरा इधर जल गया था। तो और जो है कि वॉश करने में भी थोड़ा ऑटोमेटिक को घर में लेडीज लोग को थोड़ा सा दिक्कत होता था, इसलिए मैंने ये भी तो बन गया था, लेकिन इसको मैनुअल बनाना ज़्यादा अच्छा लगा हमको। जो अपने मन से जितना चाहिए वॉश कर लीजिए, जितना चाहिए स्पिन कर लीजिए। तो इसको देखिए मैं कैसे इसको खोला, कैसे इसको बनाया। तो सबसे पहले तो इसका नट और ज़्यादा कुछ नहीं खोलना है। यहाँ जो साइड में जो है कि यहाँ ढक्कन होता है, इसको ढक्कन को खोलना है। फिर इस साइड में जो है कि है यहाँ भी एक ढक्कन होता है, उसके बाद एक स्क्रू होता है, इसको खोलना है। इसको खोलने के बाद आपका पूरा सेट जो है कि ये उठ जाएगा। देखिए पूरा सेट उठी है, पूरा सब दिखाई देने लगा। उसके बाद इसको नीचे से जो है कि नट खोल लेना है। नीचे नट होता है छः गो, उसको खोल कर आप देखिए यहाँ जो है इसका किट इसमें रहता है, इसका बॉक्स रहता है। बॉक्स में जो है कि बहुत जमाया हुआ रहता है। तो देखिए यहाँ इसका मेन सॉकेट है, ये जो है ब्लू कलर का जो है इसमें मेन लाइन होता है। तो मेन लाइन का देखिए ये दोनों कलर है, ब्लू और ये ब्राउन। देखिए ये ब्लू और ये ब्राउन जो है ये मेन है जो इसमें का है। और जो है यहाँ जो है ये व्हाइट जो है, देखिए ये ब्लू सॉकेट है। ब्लू सॉकेट में इसको हमने काट के निकाल दिया है, और व्हाइट सॉकेट में जो है रेड और येलो वायर का कनेक्शन है। और इसमें जो है रेड वाला जो सॉकेट है, इसमें जो होता है देखिए इसमें व्हाइट वायर है और एक तो वायलेट है। तो ये दोनों तार होता है, एक ठो वाटर लेने के लिए और व्हाइट जो है ये वाटर लेने के लिए है, और ये जो है वायलेट वाला ये है ड्रेन के लिए। तो इसको देखिए कैसे मैंने कनेक्शन किया है। दो ठो ये स्विच लगाया है, SPST का स्विच है, और एक तो ये स्पिन का स्विच है, ये अलग से मार्केट से खरीदे हैं। और एक तो वास वाला स्विच है, देखिए पीला पीला और रेड दो को निकला हुआ है, और एक तो ब्लैक है, ये ब्लैक है इसमें से, और एक तो ये बजर का है। तो बजर को ऐसा ही छोड़ दिया है, बजर का कोई ज़रूरी नहीं है। अगर लगाना चाहते हैं तो आप अलग से बजर खरीद के लगा सकते हैं। अब इसको देखिए ये ब्लैक वाला जो है ये जो मेन जो आया है मेन वायर ब्लू और ये जो ब्लू है और एक ठो ब्राउन है। तो ब्राउन वाला में जो है ये फेज होता है, ये वाला फेज वायर है। तो इसको क्या करना है कि एक ठो इसमें जो है इसका जो है ब्लैक वाला कनेक्शन कर देना है, और एक ठो ये वाटर वाला जो है वाटर वाला ये जो है वाटर वाला स्विच में से दो को तार हम निकाले हैं। तो एक ठो इसमें जो है कि स्विच का कनेक्शन कर देना है, और एक ठो जो है कि वाटर वाला ये है, ये दो ठो है वाटर और ड्रेन का।
तो ये वाटर का स्विच से कनेक्शन कर देना है, और इसका जो है ये मोटर का जो लेफ्ट राइट चलाने के लिए एक रेड और एक येलो, रेड और येलो जो है कि मोटर से आया है लेफ्ट राइट के लिए, तो इसका रेड इसका स्विच का रेड में जोड़ देना है, और येलो जो है कि येलो का येलो वायर में जोड़ देना है, और ये स्विच जो है स्पिन का स्विच जो है होता है रोटरी वाला, स्पिन का रोटरी वाला स्विच है, उसका एक वायर जो है कि लाकर इसका पीला वाला में जोड़ देना है, और इसका जो है ड्रेन से ये वायर जो है ड्रेन वाला जो वायर है ब्लू वाला ड्रेन जो जाता है ड्रेन का स्विच है, एक ठो ये स्विच लगा दिए हैं ड्रेन के लिए, देखिए ये ड्रेन का एक अलग स्विच है, तो ड्रेन वाला में ये एक ठो स्पिन वाला तार जो है ड्रेन वाला के साथ में लाकर आ इसमें जो है ड्रेन के स्विच में जोड़ देना है, और ग्रीन वाला इसका जो है एक ठो माने स्विच का दो पॉइंट होता है, तो एक पॉइंट जो है ये फेज में लाकर जोड़ देना है, देखिए फेज में जोड़ दिए हैं, और ये इसमें एक ठो इंडिकेटर लगाए हैं जो कि, तो ये न्यूट्रल तार एक ठो मात्र स्विच के लिए जरूरी है, तो ये न्यूट्रल जो है ये स्विच में दे दिए हैं, ये थ्री फेज का स्विच है, इसमें देखिए इंडिकेटर भी जलेगा, जैसे ऑन होगा ना तो इंडिकेटर जलेगा, तो ये वाटर लेवल के लिए है, वाटर माने गिराने लेवल नहीं वाटर गिराने के लिए है, तो बस इतना ही कनेक्शन करना है, और ये दो ठो तार जो होता है ये वाला इसका कोई कनेक्शन नहीं है, ये सेंसर के लिए होता है, एक पंप के लिए यहाँ यहाँ पर एक होता है, तो उसका कोई जरूरी नहीं है, इसको ऐसा ही छोड़ देना है। हाँ इसको अब निकाल दिए हैं, इसका कोई जरूरी नहीं है, अब इसको देखिए ऑपरेट करके दिखा रहे हैं, बहुत इजी है इसको बनाना। अब देखिए स्विच को ऑन कर रहे हैं, अब देखिए ये वाटर का है, वाटर ऑन किया इंडिकेटर जला और पानी भी गिरने लगा, पानी गिर रहा है, इंडिकेटर शो कर रहा है वाटर का, देखिए वाटर का शो कर रहा है, इसको ऑफ कर दिया तो पानी बंद हो गया, अब इसको हमको वॉश करना है, तो वॉश के लिए स्विच को ऑन करेंगे, देखिए लेफ्ट में चला अब राइट में चलेगा, देखिए क्लॉकवाइज जब चल रहा है, अब एंटी क्लॉक चलेगा, देखिए वाश तो काम कर रहा है, अब देखिए हमको ड्रेन करना है, तो ये स्विच जो है ड्रेन का है, हमको पानी को ड्रेन कर देना है, देखिए ऑन किए, और ड्रेन के साथ ही इसको हमको ऑन करना है, तब देखिए स्पिन काम कर रहा है, अब इसका ड्रेन का स्विच ऑफ कर देंगे तो ऑफ हो जाएगा, देखिए ड्रेन का स्विच ऑफ किया तो रुक गया, अब ब्रेक भी लग जाएगा, आ इसको भी ये अपने आप भी रुक जाएगा, जैसे ये ऑफ हुआ ये स्विच ऑफ हुआ तभी रुक जाएगा, अब ऐसे ऑन करेंगे तो काम नहीं करेगा,
लेकिन ड्रेन के साथ, ड्रेन काम किया उसके बाद इसको ऑन करेंगे तो काम करेगा। देखिए आई ऑटो जो है कि चलते चलते ही अपने आप रुक जाएगा, तो ऐसे रुक जाएगा, अपने आप रुक जाएगा, ट्रेन होता रहेगा, लेकिन इस स्विच को ऑफ करेंगे तभी ब्रेक का काम करता है, लेकिन तब ब्रेक का काम करेगा। तो इस टाइप से रियल मी का वॉशिंग मशीन ऑटोमेटिक था, इसको जो है मैनुअल मैंने बना दिया है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।